हेलो नंदिता मैम, हेलो हाउ सर, आर कैसे यू। हैं आप? मैं मैं अच्छा बहुत हूँ, अच्छी आप हूँ। कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एलजी पॉडकास्ट में। बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद मच। आपका, आपने थैंक यू। हमको समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, आपका। नंदिता मैम, बहुत अच्छी मैं बात है सर, अपने बहुत अच्छा लिए कर रहे हैं आपको आप। जो है लाइव पर लेके आना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि आपका जो स्ट्रगल है वुमेन्स फिटनेस को लेकर के, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो थॉट्स है, वो लगता है कि हमारी सोसाइटी को, हमारे देश की जितनी भी वो लड़की है जो करना चाहती है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ये लड़की है या तो सीए बनेगी या फिर जो है डॉक्टर्स बनेगी। ये एक बॉडी बिल्डिंग होता है ना, कुछ एक वर्ड है, ब्यूटी विद ब्रेन, बट ब्यूटी विद बॉडी बिल्डिंग, वो आपको देख के मुझे जो है आता है। तो ब्यूटी विद बॉडी बिल्डिंग के पीछे का ये क्या राज है, कैसे हुआ है, कृपया करके आप थोड़ा सा एक मेरे को ओवरव्यू आप दे दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली अगर आज से कुछ साल पहले तक जाएं तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगी, क्योंकि मेरा एक छोटा सा रिजॉर्ट हुआ करता था मनाली में, और मैं अपना रिजॉर्ट रन करती थी और बहुत खुश थी। बहुत सिंपल सी मेरी लाइफ थी कि बस सुबह उठो और मनाली की वादियां देखो, और बस वही एक लाइफ चल रही थी मेरी कि मैं नेचर से बहुत कनेक्ट रही हूँ और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। तो मैं, मेरी बस दुनिया बस उसके आसपास ही थी। मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कोई बॉडी बिल्डर बनूंगी, बट वहां मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ जो है, पूरी जर्नी चेंज हो गई। तो मैं गाड़ी लेके वहां खाई में गिर गई अरे और काफी घंटे तक मैं गाड़ी में खाई में ही पड़ी रही। लोगों को पता भी नहीं था कि कोई पड़ा हुआ है खाई में, और जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में थी। मनाली में मिशन हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो मैं वहां 2 ढाई महीने एडमिट रही और बहुत सारी इंजरीज हुई। बहुत मतलब मेरी नेक, मेरा राइट साइड पूरा फ्रैक्चर हो चुका था, मेरा जी पैर, मेरा हाथ, मेरी नेक। मेरे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि शायद मैं कभी ढंग से चल भी नहीं पाऊंगी। तो बस ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग को हिट कर गई कि शायद मैं कभी चल नहीं पाऊंगी ढंग से। तो रिएक्शन आपको पता है कि अगर आपके घर में कोई अपंग बच्चा हो तो फैमिली में रिएक्शन कैसा होता है। एक तो बिल्कुल फैमिली वालों को सबसे बड़ी टेंशन ये कि लड़की, हाँ ऊपर से शादी कौन करेगा, हाथ पैर खराब हो जाएंगे, तो बिल्कुल इसको उससे बड़ी टेंशन ये कि इसको बिठा के कौन खिलाएगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अप एंड डाउन रहे हैं लाइफ में। कहते हैं ना कि कुछ भी अगर आप अचीव करने की सोचो तो आसान नहीं होता, उसके लिए बिल्कुल आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ रही है मेरी। लोगों को आज लगता है कि नंदिता को एक फेम मिल गया है, नंदिता बहुत अच्छा कर रही है, नंदिता बहुत पैसे कमा रही है, बट ये जी इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं। मेरे पेरेंट्स नहीं है, कोई सिबलिंग्स जी नहीं है सपोर्ट करने वाला। आपको पता है रिश्तेदार कभी, अगर आपको कभी अगर पैसों की भी जरूरत पड़ी होगी, आपने कभी किसी रिश्तेदार को कॉल किया होगा कि हाँ मुझे ये नीड है, तो शायद उधर जी से कभी नहीं आपको सपोर्ट मिला होगा। तो सेम जी यही मेरे साथ भी था कि कभी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। जो भी किया मैंने, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जैसे भी हूँ, मैं खुद पे, खुद से और खुद की मेहनत से हूँ। तो ओके शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि नंदिता को बनाने में मेरा हाथ है। तो ओके बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने बोला कि एक्सीडेंट के बाद में लाइफ ऐसा लगता था कि आप चल नहीं पाएंगी, डॉक्टर ने जी ऐसा बोला था। जी बट एक होता है कि चलो एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में मेहनत करके हम लोग ठीक हो गए, हम चलने भी लगे, लेकिन सीधा बॉडी बिल्डिंग ये क्यों, मतलब बॉडी बिल्डिंग ही क्यों? हाँ, मैं नहीं, ऐसा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग ही नहीं आना था मुझे। एक्चुअली जब मैं डिस्चार्ज होके आई दिल्ली अपने घर, तो मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, रिजॉर्ट कोई देखने वाला नहीं था, तो मुझे रिजॉर्ट फिर छोड़ना पड़ गया। तो मैंने रिजॉर्ट खाली कर दिया, और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास सिर्फ 3 ही काम होते थे, सुबह उठना, खाना और सोना। ठीक है, तो मैं बहुत अजीब ही हो गई थी, हाथ पैरों में प्लास्टर था। इतना बड़े एक्सीडेंट के बाद भी जहां पर इंसान टूट जाता है, उसके बाद में आपने बोला कि चल नहीं पाएगी, सबसे पहले तो दिमाग में आता कि चलो खड़े ही होना सीख ले, चलेंगे तो बाद में, बट आपने सीधा आपका फोकस सीधा बॉडी बिल्डिंग, आप यहाँ पीछे नहीं हाँ रुकना, तो हाँ उसके नहीं, पीछे क्यों ऐसा था रुक जाते? कि पहले तो जब मैं डिस्चार्ज होके आई तो मेरे पास सिर्फ 3 ही काम होते थे, सिर्फ खाना पीना और सोना, दोस्तों को घर में बुलाना, पार्टियां करना, रोज सुबह उठना, हर किसी एक नए दोस्त को फोन करना कि बहन आज तू फ्री है क्या, चल घर पे आ जा, बैठेंगे साथ में। तो डेली जो लाइफ का रूटीन था ना, वो बहुत चेंज होने लग गया था धीरे धीरे। जी तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यार ये तू क्या कर रही है, मतलब कि कहाँ जा रही है तू, तू पहले कुछ कर, पहले तू जिम ज्वाइन कर, पहले अपने आप को ठीक कर। तो ठीक है, मैंने जिम ज्वाइन किया। मैंने पहले ऐसे मजाक में जिम ज्वाइन किया, पहले मैं इतना सीरियस नहीं थी।
जब मैंने जिम ज्वाइन किया, गई, मैंने पूरे 1 साल की फीस पे कर दी फर्स्ट मंथ में ही। फिर ऐसे ही था, कभी गए कभी नहीं गए। मतलब ऐसा सीरियस वाला नहीं हो पा रहा था कि जैसे जिम गए, किसी दोस्त का फोन आ गया तो वर्कआउट छोड़ के निकल गए कि चलो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ खा के आएंगे। अच्छा, मैं फूडी बहुत हूँ। मैंने मेरे ख्याल से एक तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, फिर मैं जगह जगह हर जहाँ भी जाती हूँ मुझे कुछ नया ट्राई करना होता है, चाहे वो फूड में, मतलब स्वीट्स, मिठाई मुझे बहुत पसंद है, तो वहाँ की फेवरेट डिश क्या है, मिठाई क्या है, तो मुझे एक्सप्लोर करने की बहुत आदत है। तो किसी ने भी बोल दिया कि आज यार यहाँ चल रहे हैं एक्सप्लोर करने, तो जिम छोड़ के वहाँ चले गए। कोई भी ऐसा शादी फंक्शन नहीं होता था जहाँ मैं जाऊँ ना, मतलब मैं इतना ज्यादा फूडी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर मैं टीवी या कोई मूवी देख रही हूँ तो मैं 3-4 किलो मिठाई ना टीवी देखते देखते खत्म कर देती हूँ, मैं इतना मीठे की शौकीन हूँ। तो ऐसा वाला चल रहा था। ये सब बॉडी बिल्डिंग मिठाई, ये कुछ हाँ, मिसमैच नहीं दिख रहा है कि अक्सर लोग सोचते हैं बॉडी बिल्डिंग? तब जो है इतना सीरियस नहीं थी बॉडी बिल्डिंग में, अच्छा तो जिम तो ज्वाइन कर लिया बट हो नहीं पा रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि छोड़ यार, तू जिम तो जाती नहीं, एक काम कर, छत पे ही जिम लगा ले, तुझे तुझे जिम जाना नहीं पड़ेगा। मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अपनी पूरी छत पे 4-5 लाख रुपए लगा के और होम जिम सेटअप करवा दिया पूरा। वो भी बस पड़े पड़े धूल खाता रहा। एंड में मैंने उसे एक कबाड़ी वाले को बेचा जो है। मैंने कहा भाई तू 10,000 रुपए ही मुझे दे दे, लेकिन तू इसको ले जा यहाँ से। ले गया वो। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप से ही धीरे धीरे चीटिंग कर रही हूँ। फिर कहीं ना कहीं कुछ माइंड में फ्रस्ट्रेशंस भी थी, पर्सनल लाइफ्स को लेके भी और डेली रूटीन को लेके भी। एक तो मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, ऊपर से फैमिली वालों के ताने, घर वालों की सुन सुन के मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तब मैंने थोड़ा जिम को सीरियस लेना शुरू किया और तब मेरा सारा गुस्सा जिम में निकलने लगा। फिर मैं वहां से, आपको बताया जब आप फ्रस्ट्रेशन में वर्कआउट करते हो तो जिम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको, तो वहां से मैं थोड़ा सीरियस हुई। और फिर मैंने अपने सर से, मेरे जो कोच है मिस्टर इमरान खान सर, उनसे बात करी कि मुझे इसी को अपना प्रोफेशन बनाना है और मुझे इस लाइफ में आगे जाना है। तो एक टाइम था जब मुझसे 2 किलो के भी डंबल नहीं उठते थे और वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे वर्कआउट कराते थे। मैंने वहां से स्टार्ट किया और नाउ अभी मैं 30-40 किलो के डंबल खुद उठा के वर्कआउट करती हूँ। तो अभी यहाँ तक मेरी जर्नी पहुंची है। तो अच्छा लगता है, वहां से मैं थोड़ा सीरियस हुई। और लेकिन जब मैं एक बार, मेरा शुरू से ऐसा रूटीन रहा है कि काम कोई भी हो, मैंने अपनी लाइफ में, मेरे लिए लाइफ में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं रहा है, क्योंकि मैं बहुत जमीन से जुड़ी हुई हूँ और मैंने बहुत जीरो से स्टार्ट किया की है अपनी लाइफ। मेरे पेरेंट, मेरे फादर को एक्सपायर हुए, 22 ईयर्स हो गए, तो 22 साल पहले से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो मेरे लिए मैंने कभी ये नहीं देखा, अब मुझे किसी की जॉब करना पसंद नहीं है क्योंकि ज्यादा मुझसे जॉब होती नहीं है, और मैंने कभी जॉब को सीरियस लिया भी नहीं क्योंकि मेरा शुरू से ये था। मेरे फादर साहब भी बिजनेसमैन थे, तो मेरा शुरू से ऐसे ही था कि मैं, उन्होंने मुझे हमेशा एक बात सिखाई थी कि दूसरे की नौकरी करने से अच्छा तुम अपने खुद के बिजनेस में 10 रुपए कमाओ, अपने काम को टाइम दो, वो ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही मेरी बात जर्नी वहीं से, बिजनेस से ही स्टार्ट हुई थी। मैंने पहले जब स्टार्ट किया तो मैंने बीपीओ से स्टार्ट की अपनी लाइफ। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो बीपीओ में थी। फिर आप ये समझ लीजिए कि रोड पे कपड़े बेचने से लेके और रोड पे खाना बेचने तक, राजमा चावल बेचने तक का सफर मैंने अपनी लाइफ में तय किया है। लोगों को लगता है कि मेरे बैकग्राउंड से बहुत पैसा था, मैं बहुत पैसे वाली हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है, तो ऐसा नहीं है भाई। इस लाइफ में मैं आज तक, ये बात मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, ये फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई मैंने रोड पे पटरी पे खड़े होके कपड़े भी बेचे हैं, आवाजें भी लगाई हैं कि भाई 100 रुपए का ले लो, 400 का ले लो, 500 का ले लो, और मैंने 20 रुपए की प्लेट से स्टार्ट करके राजमा चावल भी बेचा है जो कि मैं खुद अपने हाथ से घर में बना के लेके जाती थी सेल करने के लिए। तो मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ, मुझे कुछ भी बना बनाया नहीं मिला है। ये कपड़े बेचे, खाना तक का खाना बेच के, जैसे कि आपने बोला, सफर तय किया है, फिर एक नई डायरेक्शन मिली है जीवन में कि बॉडी बिल्डिंग के जी थ्रू लोगों तक पहुंचा जाए। जी तो जो बॉडी बिल्डिंग का, मैं थोड़ा सा इस पे जो आपका और फोकस चाहता हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग का जो करियर है या फिर जो ये सेक्टर है, एक लड़की के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि इसके बारे में सबसे बड़ी बात क्या है नंदिता मैम, कि चलो वो लड़कों के लिए तो समझ में आता है, बहुत सारी चीजें, इतनी सारी वीडियोज है, इतने सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारी चीज, लेकिन लड़कियों के लिए सेक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जैसे बोल दूं मैं कि जागरूकता है, वो बहुत ही नैरो है या बहुत ही कम जी है।
बिल्कुल तो इसके बारे में एक पूरा मेरे को स्ट्रक्चर की ये क्या है, कैसे जाना चाहिए, कैसे करियर बनेगा, तो किस लेवल तक आप लोग पहुंच सकते हैं, उससे आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कैसे आप इसमें अपनी एक बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप ले सकते हैं, थोड़ा सा एक बार अगर उस जी पर आप जी प्रकाश डाल दे तो। जरूर। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप इस फील्ड में नए होते हो ना, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता, ठीक है। मैं भी बहुत गलत हाथों में पड़ी, मुझे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हुए, और जिसका खामियाजा मुझे आज भी भुगतना पड़ता है। मैं आज भी लोगों की गालियां सुनती हूँ, दिन में हजारों कमेंट्स रिसीव करती हूँ, उल्टे सीधी मैसेज रिसीव करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अभी कुछ दिन पहले एक अपना वीडियो भी बनाया था कि अगर कोई फीमेल बॉडी बिल्डिंग कैरियर में आना चाहती है या इसमें अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले आपको बदतमीज बनना पड़ेगा। ये बॉडी बिल्डिंग की पहली शर्त है कि कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेशरम बन जाओ आपकी। जैसे अभी मेरे दिन की शुरुआत होती है, अगर मैं मैसेज खोलूं अपने, तो तू मर्द है, तू ट्रांसजेंडर है, तू किन्नर है, तेरी शक्ल, तू ही वॉशरूम यूज करती है या शी वॉशरूम यूज करती है, तू लड़कियों वाले बाथरूम में नहाती है या लड़कों वाले बाथरूम, तो मेरे दिन की शुरुआत ऐसे होती है। तो अगर कोई फीमेल, मैं जब इस लाइन में आई तो मैं बहुत शाय थी। एक हमारे खानदान में तो 14-15 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल मेरे खानदान में मेरी जो बहनें हैं सबके काफी बड़े बड़े बच्चे हो गए आज के टाइम में, मेरे जितने भी कजन्स हैं, भाई बहन हैं सबके। तो हम तो उस खानदान से कि हमारे घर में लड़कियों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। मतलब ये लाइन तो मैंने बहुत लड़ झगड़ के बहुत डिफरेंट लाइन चूज की अपने लिए, वरना हमारे घर में 15 साल में सबकी शादियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो स्टेज पे बिकनी पहनना फर्स्ट टाइम ही बहुत बड़ी बात थी, और वो भी इतने लोगों के सामने। जब मैं स्टेज पे खड़ी हुई, चढ़ी और मैंने अपने सामने देखा हजारों सैकड़ों लोग बैठ के आपको गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो वहां फर्स्ट टाइम मैं पहली बार थोड़ी डिमोटिवेट हो गई कि नहीं, मैं इन लोगों को नहीं झेल सकती, नहीं हैंडल कर सकती। बट वहां से कुछ पॉजिटिविटी भी आई कि अगर मुझे यही लाइन चूज करनी है तो मुझे इन लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप। जैसे मैंने जो मैंने प्रो कार्ड लिया, उसी शो को लोग 5-5, 10-10 साल से खेल रहे हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी लोगों ने प्रो कार्ड लिया मेरे बाद लिया, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं जिनको मैं देख देख के बड़ी हुई कि हाँ ये 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या 20 साल से कर रहे हैं, और मुझे पता चला ये तो पिछले 15 साल से शेरू क्लासिक खेल रहे हैं, ये पिछले 10 साल से खेल रहे हैं और अभी तक इनको प्रो कार्ड नहीं लगा। तो जब मैं प्रैक्टिस पे थी तो मेरे ही जिम में मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते थे मजाक नहीं है प्रो कार्ड जीतना, हम तो 10 साल से कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं, हम आज तक नहीं जीत पाए। तो बहुत सारी नेगेटिविटीज भी थी मेरे साथ। सब हमेशा कहते थे कि कभी भी इंसान को मुंह से जवाब मत दो, ठीक है, हमेशा इंसान को अपने काम से जवाब दो। तो मेरा ये था बिल्कुल कि चाहे मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाऊंगी, लेकिन जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं रेडी हूँ ये शो खेलने के लिए, तब तक मैं शो नहीं खेलूंगी। तो जैसे कि बॉडी बिल्डिंग की जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, मेरे कोच ने मुझे बताई कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं हर चीज के लिए रेडी थी। उन्होंने मुझे बोला कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेल और वुमेन सेम चीजें यूज करती हैं, तो मैंने बोला कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बीइंग अ गर्ल, अगर आप इस प्रोफेशन को चूज कर रहे हो तो आपको किसी चीज से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये चीजें यूज नहीं करोगे आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, मतलब कोई कैरियर ही नहीं है इसके बिना। अगर आप ये सोचो कि आप एक नेचुरल बॉडी बना के और आप स्टेज शो खेल लो, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं इस लाइन में। तो मैं तो ओके बिल्कुल बदतमीज और बेशरम बन गई थी। फर्स्ट टाइम मैं IHFF की स्टेज पे चढ़ी और फर्स्ट टाइम में ही मैं प्रो कार्ड लेके नीचे उतरी, वही मेरा फर्स्ट था, वही मेरा लास्ट था। इंडिया में अब मेरे खेलने के लिए कुछ बचा नहीं है नाउ। अभी मैं अगले महीने 1 साल हो जाएगा मुझे दुबई शिफ्ट हुए, और कल मेरी फ्लाइट है, कल मैं जा रही हूँ। तो वहां से मैंने अपने कुछ प्रो शोज लाइनअप किए हैं। वहां रहने का भी मेरा रीजन यही था क्योंकि इंडिया से जल्दी वीजा वगैरह नहीं लगता, और अभी मेरा इनविटेशन लेटर भी आ गया है जहां जहां मुझे प्रो शो खेलने जाना है। अभी मेरा मैंने लाइनअप किया है, मेरा कनाडा में है, टोरंटो में, स्पेन में है, यूके में है, रोमानिया में है, तो इन जगहों पे मैं जा रही हूँ प्रो शो खेलने, क्योंकि इंडिया में मेरी कैटेगरी ही नहीं है। प्रो कार्ड के बाद आप इंडिया में खेल ही नहीं सकते। ये जो आप ये प्रो कार्ड जो होता है, जैसे जी आप मेरे को खेलना, अब हम जो आम लोग हैं ना, हम खेलने का मतलब समझते हैं, चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, पर बॉडी बिल्डिंग में कैसे खेलते हैं? ये प्रो कार्ड क्या है, मतलब ये जी कितना जरूरी है एक बॉडी बिल्डर के लिए? जी जी मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास IFBB का प्रो कार्ड है,
ठीक है, ओके और मैं उनमें से एक हूँ, बहुत लकी हूँ। IFBB हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जब तक ओके आप प्रो कार्ड नहीं खेलते आप ओलंपिया नहीं खेल सकते, जो US में होता है, अमेरिका में ओलंपिया होता है, जी आप उसको नहीं खेल सकते। ओलंपिया खेलने की जो पहली सीढ़ी होती है वो होता है IFBB प्रो कार्ड जीतना, ठीक है, ओके ये होती है पहली सीढ़ी। एंड इसका सेकंड स्टेप होता है प्रो शो, जो मैं अब खेलने जाऊंगी, ठीक है। प्रो शो सिर्फ वही लोग खेलते हैं जिनके पास प्रो कार्ड होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जिन लोगों के पास प्रो कार्ड है वो जी ही उस शो को खेलने आते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ओके सिर्फ इंडिया से ही, इंटरनेशनल जितने भी प्रो कार्ड होल्डर्स हैं सभी प्रो जी शो के लिए आते हैं। जो ओके लोग प्रो शो खेलते हैं उनमें से किसी एक को ही ओलंपिया जाने का टिकट मिलता है, तो वो ही ओलंपिया खेलने जा सकता है, ये होता है प्रो ओके कार्ड। जी ओके करियर पे थोड़ा सा पे बात करते हैं। मान लीजिए हमने सारे हम सब कुछ जीत चुके जितने भी कार्ड होल्डर हमने जीत चुके, लेकिन एक वुमेन्स को अगर इसमें करियर बनाना है तो वो करियर के जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब आप पहले ये सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको आपके करियर में या लाइफ में या बिजनेस जो भी वो करना चाहता है इसमें इसमें ये इम्पैक्ट होगा, फिर आप ये कर सकते हैं। एक हाईएस्ट जो पोजीशन होती है, मान लीजिए इस देश में हाईएस्ट पोजीशन राष्ट्रपति की है, उससे ऊपर आप कुछ बन ही नहीं सकते आप, मान लीजिए जी जी ठीक है। स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल होता है, उससे ऊपर आप कुछ बन नहीं सकते, बट जी बॉडी बिल्डिंग का प्रिंसिपल कौन होता है? जी हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बॉडी बिल्डिंग है ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव गेम है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कुआं, ये कुआं है एक, और आप इसमें कितना भी पैसा डालते रहिए, ठीक है। ये बॉडी बिल्डिंग कैरियर से पहले ना एक पैशन होता है, ठीक है, कि आपको पैशन है बॉडी बनाने का, आपको पैशन है, आपको गेम खेलना है। ये जस्ट लाइक ओलंपिक नहीं है कि आप ओलंपिक में मेडल जीत के लाए तो सरकार ने आपको करोड़ों रुपए दे दिए, घर दे दिया, नौकरी दे दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बॉडी बिल्डर जब एक स्टेज पे, आप ये समझिए एक नॉर्मल सा कॉम्पिटिशन जो हमारे यहाँ गली मोहल्ले में टेंट में या किसी जैसे स्टेडियम है, तालकटोरा स्टेडियम है, इनमें एक नॉर्मल सा कॉम्पिटिशन एक बॉडी बिल्डर को खेलने के लिए 5 से 7 लाख रुपए इजली वो अपनी बॉडी पे खर्च कर देता है, ठीक है। एक खेलने के सिर्फ 3 से 4 महीने की तैयारी में सिर्फ आप ही समझ लीजिए 2-2.5 लाख रुपए की तो डाइट हो जाती है, एक नॉर्मल सी डाइट जो वो प्रेप के टाइम पे से लेके और एंड ऑफ कंपटीशन खेलता है। ये इतना एक्सपेंसिव गेम है कि एक वो कंपटीशन गली मोहल्ले के कंपटीशन को खेलने के लिए भी, एक नॉर्मल से नॉर्मल कंपटीशन खेलने के लिए भी आपकी बॉडी 5 लाख रुपए खा लेती है, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन खेल रहे हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पे ये IFBB के कॉम्पिटिशन हो गए, अभी 2-3 बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन अब होने स्टार्ट हुए हैं जी कॉम्पिटिशन में, तो अगर किसी अच्छे लेवल का आप कॉम्पिटिशन खेलते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी भी अच्छी चाहिए, सामान भी अच्छा चाहिए, आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो ये एक सारी चीजों का पैकेज है, ठीक है। अगर आप इसमें ये सोचे कि आपका करियर कहाँ तक जाएगा, कहीं आपकी किस्मत भी है, कहीं आप कितने सक्सेस हो रहे हैं इस कैरियर में, कितनी अच्छी आपको नॉलेज है, कितना अच्छा आप आगे जा रहे हैं, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपका अपना जिम है, आपके बहुत सारे बच्चे हैं, तब तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर अभी आप सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, सिर्फ स्ट्रगल लाइफ जी रहे हो, और सिर्फ आप जो भी आप कमा रहे हो आप अपने ऊपर लगा रहे हो, ठीक है ना, तो अभी आप इनकम तो आप इसमें भूल ही जाओ कि अभी कोई इनकम आपकी होगी, ठीक है। क्योंकि जब मैं इस लाइन में आई थी तब भी मैं अपना बिजनेस कर रही थी, ठीक है, उससे पहले भी मैं अपना बिजनेस कर रही थी, और जब मैं इस लाइन में आई, जैसे मैं 3 महीने 4 महीने बिल्कुल गायब हो गई, मैं सोशल मीडिया से, मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि नंदिता क्या कर रही है, क्योंकि मेरा ये था जब मैं तैयारी पे थी तो मतलब मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं ये शो खेलूंगी, मैं बिल्कुल चुपचाप बस अपनी तैयारी करती, मुझे ये था कि बस मैं एक बार स्टेज पे चढ़ूंगी, कॉम्पिटिशन खेलूंगी, तभी लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं प्रेप कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल गायब हो गई थी, ठीक है। बट दूसरों के साथ ऐसा नहीं है, आपको अपनी, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब भी मैनेज करनी है, अपनी मील भी मैनेज करनी है, अपना वर्कआउट भी मैनेज करना है, अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है, ऊपर से लोगों के ताने भी सुनने हैं, बिल्कुल घर वालों के भी, बाहर वाले को भी, किसके पास कोई काम नहीं है, जिम में पड़ा रहता है, जिम में पड़ी रहती है, जब देखो इसे अंडे चाहिए, जब देखो इसे चाहिए। तो एक जो बॉडी बिल्डर होता है ना वो बहुत सारे मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, मतलब एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे ही अभी तक कोई नहीं समझ सकता कि एक बॉडी बिल्डर कितने स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो अगर इस लाइन में आप कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे अभी मेरा क्या है, मैं
मेरा जिम है, ठीक है, दिल्ली में। कुछ कंपनीज भी हैं अभी राइट नाउ मेरे पास, जिनकी मैं ब्रांड एथलीट हूँ या ब्रांड एम्बेसडर हूँ। कुछ मेरे शूट्स वगैरह भी चलते रहते हैं मेरे ब्रांड्स के भी। जस्ट लाइक अभी मैं दुबई में हूँ, मैं वहां भी कोई जॉब नहीं करती हूँ, वहां मैं सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग्स और पीटीज वगैरह ही देती हूँ। प्लस मेरे कुछ मुझे शूट्स वगैरह मिलते रहते हैं, वो मैं करती रहती हूँ। तो क्या होता है कि अर्निंग आपकी जो है ना, वो एक साइड इनकम आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक एक साइड इनकम, मान लीजिए आपके कोच ने आपको 5 लाख का पैकेज बता दिया कि ये तेरा ट्रेनिंग है, ये तेरा सामान है, ये तेरी डाइट है, अब ये तू इसे पकड़ और ये तुझे मैनेज करना है, तो आपके हाथ में पैसे होने चाहिए उस चीज को फॉलो करने के लिए। क्योंकि इस चीज में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल मैं जब इस लाइन में आई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स थे, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया। कुछ गलत था तो मैं चली गई, मतलब मेरी बॉडी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए गए, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि लड़कियों को ट्रेनिंग कैसे देते हैं कैसे नहीं देते। फिर भी उन्होंने बोला कि हाँ मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा। बहुत मेरे पैसे वेस्ट हुए, बहुत गलत मेरी बॉडी के साथ बहुत चीजें गलत हुई कि वो मैं आपको मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती सोशल मीडिया पे कि मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि वीक का 6 ml जो कि किसी मेल को भी नहीं लगता, मेरी बॉडी पे इतने एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है ना। तब मैंने तब मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं भाई, मेरा तो ये भगवान को गुरु को मैं भगवान का दर्जा दिया जाता है कि भाई कोच है, जो बोल रहा है करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना, ज्यादा क्वेश्चन पूछो तो डांट पड़ जाएगा, ये पूछो तो डांट पड़ जाएगा, तो ऐसा था। आज के टाइम में मैं लोगों को बोलती हूँ कि भाई अपनी आंख और कान दोनों खुले रखो। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी से कुछ सामान ले रहे हो, आप उसे पे कर रहे हो, ठीक है, उस चीज की पूरी नॉलेज आपको होना जरूरी है। मेरे साथ क्या होता था, जब मैं गलत हाथों में गई तो मुझे सामान भी चिप निकाल के दिया जाता था कि मुझे यही नहीं पता होता था कि उस सामान पे क्या लिखा है। बट आज मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा सामान दे तो आप उसे एक्सेप्ट ही मत करो, क्योंकि उस चीज के लिए आप पे कर रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, कल को अगर उससे आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप डॉक्टर को बता तो सको कि आपने यूज क्या किया है, ठीक बिल्कुल 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 है ना। तो ये है, तो उस टाइम मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, बट हाँ कहते हैं ना कि धीरे धीरे इंसान सीखता है। ये जो अभी आपने बताया कि जो स्ट्रेस को लेकर के बोला कि बहुत स्ट्रेस होता है एक बॉडी बिल्डिंग में, और आप और खासकर लड़कियों को तो बहुत सारे, मतलब चलो आपको कंपटीशन खेलना हो तो अलग है, ऊपर से सामाजिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा आसपास होता है सर, जो प्रेशर होता है, बहुत नेगेटिविटीज आपने किस तरीके, होती है। बिल्कुल आपने किस, क्योंकि वो शब्द जो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, जैसा कि आपने बोला कि ऐसा ऐसा भी मुझे बोला जाता है, उसके बाद भी आपका फोकस एकदम मतलब क्लियर था, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया, क्या कहाँ तक टूट सकता है आदमी इसमें? बहुत 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 नीचे तक इंसान गिर जाता है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि अपना घर, फैमिली, नेबर, पड़ोसी, अपने दोस्त यार, आपको सबसे कटअप करना पड़ता है। अगर आप ये प्रोफेशन चूज कर रहे हो ना, तो मतलब इन सबको इग्नोर करना पड़ता है आपको, क्योंकि कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता। कोई भी, आप किस मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हो ना, कोई आपको स्टैंड नहीं करता, कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहता। उस टाइम आपको ये लगता है जो करना है सिर्फ आपको ही करना है। उस टाइम तो ऐसा लगता है कि भाई जब आप मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हो तो आप मुझे राय भी मत दो, बिल्कुल ठीक है ना। सही उस टाइम ये लगता है, मतलब कोई आपको समझता नहीं। आप खुद सोचिए, आप सोचिए कि आप बाहर से थक के आ रहे हो और आपको घर में खाना ना मिले, तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। आप अंदर से चिड़चिड़े हो जाओगे कि यार मैं थक के आया हूँ, घर में खाना नहीं है, मुझे भूख लग रही। अब एक बॉडी बिल्डर जो प्रेप पे होता है, आप सोचिए कि कितने, 6 6 महीने, 7 7 महीने से प्रेप उनकी चल रही होती है। 6 महीने से वो शुगर उनका बंद होता है, खाना बंद होता है, काप बंद होते हैं, एट द मोमेंट उनका पानी बंद होता है, सॉल्ट बंद होता है। तो उस टाइम वो कितना अंदर से फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़ा हो जाता है ना, कि मतलब मैं तो बता भी नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद इन चीजों से निकली हूँ। उस टाइम तो ऐसा लग रहा होता है कि कोई मेरे सामने बैठे भी ना। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको ट्रैफिक मिल गया, आप उसमें चिड़चिड़ हो जाओगे, अपना गुस्सा आप किसी और पे निकालोगे। मैं तो जिस टाइम प्रेप पे होती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ भाई 1 महीने तक मेरे से कोई बात मत करना, कोई फोन कॉल मत करना, सब मुझसे दूर रहो। बिल्कुल सबको अलग कर देती हूँ। तो ऐसा होता है उस टाइम पे। ये जो अभी आपने बोला कि बहुत सारी चीजों को हमको मतलब अपने नमक नमक बोला, शुगर, बहुत सारी चीजें होती है, इससे पहले भी मेरे एक सवाल है, जी मतलब ये आज तक मैं भी समझ नहीं पाया हूं कि जैसे हमको पता है कि क्रिकेट जब आप खेलते हैं जो अच्छे रन बनाएगा
ठीक है, वो उसको मैन ऑफ द मैच मिलेगा, अच्छे विकेट लेगा उसको मिलेगा, जो ज्यादा रन बनाएगा वो जीत जाएगा। बट बॉडी बिल्डिंग में किन चीजों को मेजर किया जाता है जिनको देख के आपको बोला जाता है कि यू आर अ प्रो कार्ड होल्डर और आप मतलब इस खेल के विनर है? हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब मैं स्टेज पे थी तो मेरी जो प्रो कार्ड की फाइट थी वो थी एक दुबई की लड़की से। उसने भी गोल्ड लिया था और मैंने भी गोल्ड लिया था। प्रो कार्ड इन द सेंस जो ओवरऑल विनर होता है उसको ही प्रो कार्ड मिलता है, जो ओवरऑल विनर होता है। तो जब मेरा नाम लिया गया था तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी स्टेज पे चढ़ी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। हमारी लाइन में, बॉडी बिल्डिंग में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है लेग्स। जो हमारे सबसे हाईएस्ट नंबर होते हैं ना, वो लेग्स और बैक के होते हैं। तो हमारी लेग्स बहुत सॉलिड होनी चाहिए, हमारी बैक बहुत सॉलिड होनी चाहिए। लाइक जैसे मैच में आपका मैन ऑफ द मैच होता है, जी ठीक है ना, बिल्कुल वो उसे ही मिलता है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हो या जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हो। बनाए हो, तो सेम ऐसा बिल्कुल ही बॉडी बिल्डिंग में हमारा प्रो कार्ड है, वो जी सेम उसे ही मिलता है जिसकी ओवरऑल बॉडी बहुत खूबसूरत भी हो। मतलब जी वो भले उसका नमक पानी खाना सब बंद हो, लेकिन वो खूबसूरत भी दिखना चाहिए, उसकी ओके बॉडी भी खूबसूरत दिखनी चाहिए, उसकी लेग्स भी बिल्कुल कटी होनी चाहिए, उसकी बैक पे फाइबर भी आ रहा होना चाहिए। तो वो मतलब कि बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे रन क्रिकेट में तो आप सिर्फ रन और बॉलिंग काउंट करते हैं, बट करते हमारे बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग में ओवरऑल मतलब एक एक चीज, आपकी वेन्स कितनी, अगर बहुत ज्यादा वेन्स दिख रही है तो भी आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपकी बॉडी छोटी हो गई है तो भी नंबर कट जाते हैं, मसल मास बहुत बड़ा लग रहा है तो भी नंबर कट जाते हैं। मतलब जो कैटेगरी हमारी डिसाइड है उसी कैटेगरी में हमें खेलना होता है, उतने ही वेट में खेलना होता है, उतनी ही हाइट में खेलना होता है। 19-20 जहां भी थोड़ा बहुत हुआ वहां आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। ओके एक मुझे आज भी याद है, मैं पुणे गई थी यूनिवर्स खेलने, जी तो मुझे ये कह के स्टेज से नीचे उतार दिया कि आपकी वेन्स बहुत ज्यादा दिख रही हैं। मतलब मेरी बॉडी इतनी ड्राई हो गई थी कि मेरी लेग्स की वेन्स बहुत दिख रही थी, मेरी नसें बहुत दिख रही थी, मुझे ये ओके बोल के वहां डिस्क्वालीफाई कर दिया। ओके ठीक। तो बल्कि ऐसे वहां पे उस, जी सॉरी सर, वहां पे उस जगह पे मेरे लिए पब्लिक ने बहुत फाइट की, बहुत लड़ाई हुई, पुलिस बुला ली कि यहाँ चीटिंग हो रही है, ये जीत रही थी इसको हरा दिया। मतलब मैं तो जी वहां किसी को जानती भी नहीं थी, मुझे बाद में पता चला कि ये लड़ाई मेरे लिए हो रही थी। ओके हाँ अच्छा, तो इतना सब कुछ करना पड़ता है, सैक्रिफाई या खाने का सैक्रिफाई है, ठीक है। थोड़ा फिटनेस पे बात करते हैं, तो जी फिटनेस को लेकर के आप, मैंने कहीं सुना है कि कुछ दिन खेलने से कुछ दिन पहले नमक छोड़ देते हैं, जी नमक हाँ नहीं खाते हैं, ये जी क्या है, क्यों छोड़ देते हैं, नमक क्या करता है कि आपको छोड़ना पड़ता है? मैं आपको बताती हूँ सर। एक्चुअली नमक छोड़ते नहीं है, 2-3 दिन पहले बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, उससे पहले बहुत ना की क्वांटिटी में नमक। अब आप ये सोचिए ना कि हमें सिर्फ चिकन और एग ही खाना होता है, तो उसमें क्या ही नमक होता होगा, ठीक है। ओके नमक बॉडी में जाने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि नमक से पानी में वाटर होल्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो जब वाटर होल्ड हो जाता है तो हमारी जो बॉडी है, जो बॉडी के फाइबर्स हैं, वो पूरी तरह से ओपन होके जी नहीं दिखते हैं, इसलिए ओके बॉडी को बिल्कुल ड्राई रखना पड़ता है, बिल्कुल बॉडी सूखी होनी चाहिए, ओके बॉडी में वाटर बिल्कुल भी होल्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप स्टेज पे सुंदर लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे और बॉडी के अलग अलग फाइबर्स जो हैं वो दिखेंगे। सिर्फ इसलिए ओके हमारा जो सॉल्ट है वो बंद किया जाता है। ओके तो हाँ, बट अगर आप सिर्फ आजकल फिटनेस खेल रहे हैं या सिर्फ फिटनेस ही रखना चाहते हैं तो आपको नमक बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ओके तो बहुत, मैंने 2 दिन पहले तक भी एक दो लाइव किया, मैं आपके बारे में भी बताया कि मैं नाम मैंने नहीं ओपन किया था जी आपका, पर मैंने कहा था हम ट्राई कर रहे हैं कि एक ऐसा, एक ऐसे शख्सियत को लाएंगे जो कि वुमेन फिटनेस पे। तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे, खासकर वेट लॉस को लेके इतने सारे सवाल हैं, और उसमें से एक जी दो वेट गेन को लेके भी आ गई कि मैं जी बढ़ते नहीं, मैं बहुत खाती हूँ सर, मेरा वेट ही नहीं बढ़ता है। तो क्या बिल्कुल फिटनेस टिप्स कुछ वेट लॉस के लिए और वेट गेन के लिए, खासकर उन लड़कियों को जो अक्सर सवाल जी पूछती जी हैं? ऐसे मेरे पास भी, अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं इस लाइन में आई थी तो मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रिटीज को मैसेज करती थी, बट मेरे पास रिप्लाई नहीं आता था। बट नाउ मैं इन चीजों से निकली हूँ, तो मुझे पता है कि कोई मैसेज आपको करे और आप उसको जवाब ना दो तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो मुझे अगर इस चीज को लेके कोई भी मैसेज मिलता है, वेट लॉस गेन, या दीदी डाइट बता दो, या मैम प्लीज आप क्या यूज कर रहे हो बता दो, तो मैं बिल्कुल मतलब
सोचती नहीं हूँ कि ये मेरे से क्या पूछ रहा है। मैं उसको, अगर वो काम की कोई चीज, हाँ अगर कोई मुझे हाय हेलो या ऐसे कोई मैसेज करता है तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। बट अगर कोई काम के लिए या अपनी बॉडी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो मैं उसको फौरन ही जवाब देती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई उनसे चार्ज नहीं करती हूँ। अगर कोई मुझसे डाइट मांग रहा है मैं फ्री में उनको डाइट देती हूँ। जहां तक मैं हेल्प कर सकती हूँ अपनी साइड से वो मैं उनकी करती हूँ। तो वेट लॉस के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर देखिए मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं वेट लॉस को लेके। पहली चीज तो आप अपना रूटीन सेट करिए। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे जा रहे हैं तो अपने सोने से लेके अपने जागने तक का एक आपका रूटीन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे पास आता है कि दीदी मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती हूँ, ठीक है, उसके बाद भी मेरा वेट गेन हो रहा है। तो एक फर्स्ट आपकी जो बेवकूफी है वो यहाँ पे है कि आप पूरे दिन कुछ नहीं खाते हो और आप ये सोचे हो कि आपका फैट जो है, वेट जो है वो कम हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको पूरे दिन खाना है, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। खाना बंद नहीं करना है, भूखे नहीं रहना है, लेकिन आपको हेल्दी खाना है। लाइक आपने अभी 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है, आपने ओट्स एग्स या जो भी प्रोटीन आपका, जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हो नॉर्मली फैट लॉस के लिए, आपने वो ब्रेकफास्ट किया, फिर आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, नहीं। अगर आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो 10 बजे चाहे आप एक एप्पल खाओ, एक ग्रीन टी पियो, लेकिन लो, ठीक है। फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, मतलब एक होता है ना कि एक बार में आपने थाली भर के खाना खा लिया, जी और एक होता है कि उसी खाने को आपने 3 से 4 बार खाया थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो ओके फर्स्ट तो फल ये चीज बहुत जरूरी है, भूखे रह के खाली पेट रह के कभी भी वेट लॉस नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, अगर हम उसको, ये भी एक इंजन की तरह काम करती है, इसको भी हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए, तभी जी आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। अगर जी आपने बॉडी को भूखा रखा हुआ है, आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी हमारे ही ब्लड से इंसुलिन जनरेट करने लग जाती है, ओके इंसुलिन, ठीक है। जब हमारी बॉडी हमारे ही ब्लड से इंसुलिन बनाने लग जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपका वेट कम ही नहीं होगा। बॉडी में आपका इंसुलिन हाई होगा, शुगर हाई होगा, तो वेट कम ही नहीं होगा ना। तो पहले तो ये आप बिल्कुल बंद करो, ठीक है। अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हो तो आप हेल्दी खाने से लेके हेल्दी सोने तक पानी पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्यासी नहीं लगती, मैं इसलिए पानी नहीं पीता। आपको प्यास लगे या ना लगे, आप एक बॉटल भर के हमेशा अपने पास रखो। हर थोड़ी देर में आप पूरे दिन में 4 से 5 लीटर पानी, रात में अगर आप खाना खा रहे हो ना, खाना खाने से भी आधे घंटे पहले आप 2 गिलास पानी पियो। पानी पीना बहुत जरूरी है, पानी तो आप पीते ही रहो, मतलब कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं मुझे प्यास नहीं लगती, मैं पानी नहीं पीता। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज बिल्कुल ही बंद कर दो, जो लोग कहते हैं कि मैं भूखी रहती हूँ और उसके बाद भी मेरा जो वेट है वो कम नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ लोग मेरे पास और भी मैसेज आते हैं कि मैं 4 घंटे कार्डियो करती हूँ और मेरा 1 किलो भी वेट कम नहीं होता। तो भाई 4 घंटे आप बहुत गलत करते हो अपनी बॉडी को थका के, आप सिर्फ अपनी बॉडी को थका रहे हो, वो कार्डियो नहीं है, ठीक है। कार्डियो होता है नॉन स्टॉप 45 मिनट की, आपको रुकना नहीं है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो 45 मिनट तक नॉन स्टॉप आपको करनी है, उसके बाद आपको बॉडी को रेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे आप लगे पड़े हो जिम में, आपने ये छोड़ा फिर ये छोड़ा फिर ये छोड़ा, आपने ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, ऐसा नहीं है। 45 मिनट इनफ होता है। एक जो हम लोग, हम तो चैंपियनशिप लड़ते हैं, मैं खुद 40 मिनट का कार्डियो करती हूँ, इससे ऊपर इससे ज्यादा कार्डियो मैं कभी नहीं करती। और उस 40 40 मिनट में भी मेरी जो है सिर्फ मेरी वॉक होती है, 30 मिनट सिर्फ मेरी वॉक होती है, 10 मिनट मेरे एप्स के होते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा फालतू कार्डियो मैं करती ही नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं अपने जिम में भी, मेरे भी बच्चे बहुत सारे हैं जिनको मैं देखती हूँ वो लगे रहते हैं 1 1 घंटे 2 2 घंटे, मैं उनको भी डांटती हूँ कि सारा जितना तुमने मसल बनाया है सब तो खराब हो जाएगा तुम्हारा कार्डियो करने में, कार्डियो सिर्फ इतनी देर का ही करो। तो सेकंड चीज तो ये हो गई कि जो लोग 4 4 घंटे वर्कआउट करते हैं और कहते हैं कि, कुछ लोग होते हैं जिनका वेट कम नहीं होता बट उनके इंचेस कम होते हैं, ठीक है। आप अपनी बॉडी मेजर करो, पिछले हफ्ते इतने इंचेस कम हुए तो अगले हफ्ते और इंचेस कम होंगे, क्योंकि ये कुछ चीजें जेनेटिकली भी होती हैं लोगों में, जिनका वेट कम नहीं होता तो उनके इंचेस कम होने स्टार्ट होते हैं। तो ये तो हो गया हमारी फैट लॉस जर्नी का, ठीक है। सेकंड थिंग हम आ जाते हैं कि मैं मोटा नहीं हो पा रहा हूँ या मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दीदी आप क्या खाते हो मुझे बता दो, मेरा जो वेट है वो बढ़ नहीं रहा है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये सोचो कि सिर्फ खाने से ही बॉडी बनती है तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं
जो हमें अपनी लाइफ में करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करो तो ही आप मोटे हो गए, या आप इंजेक्शन लो, या आप मेडिसिन लो, या आप स्टेरॉइड लेना स्टार्ट करो तब आप हेल्दी या मोटे हो गए, ऐसा नहीं है। इन ऐसे लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ जो ये कहते हैं कि मेरा वेट नहीं बढ़ता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी अपने खाने का रूटीन बनाओ कि हर 2 घंटे में आपको क्या खाना है। बॉडी में अच्छे कार्ब, मान लीजिए अभी आप 50 किलो के हो, आपको 10 किलो वेट गेन करना है, पूरे दिन में आपको कितनी कैलोरी इंटेक करनी है। मान लीजिए आपको 10 किलो वेट गेन करना है 3 महीने में, तो पूरे दिन में आपको 3,500 से 4,000 कैलोरी इंटेक करनी है। आप अपनी कैलोरीज काउंट करो कि अगर मैं एक शेक पीऊंगा तो इसमें 500 कैलोरी होगी, मैं 3 शेक पीऊंगा तो इतनी कैलोरी होगी। आप कैलोरी इंटेक नहीं कर पा रहे हो बट आपका जो खाने का रूटीन है आप फिर उसको काउंट करो कि मैंने इतने बजे, अगर मैंने स्वीट पोटैटो राइस खाए थे तो इतने बजे मुझे ये खाना है। जब तक आप बॉडी में अच्छे कार्ब, मतलब कि कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन जो आपके हैं वो बॉडी में पूरे होने चाहिए, कहीं ना कहीं अगर कहीं कुछ भी कमी है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि बॉडी में उनको बहुत सारी दिक्कत है, वो कुछ भी खा रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि मुझे मैं दीदी अभी 20 साल का हूँ, मेरे घुटने से आवाज आती है, मेरे शोल्डर से आवाज आती है। तो कुछ लोग होते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर आपके घर में अगर कोई नॉर्मल हाउस वाइफ है, कोई जॉब नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो एक नॉर्मल न्यूट्रिशन की जरूरत उनको भी है। जरूरी नहीं कि अगर एक बॉडी बिल्डर है वो जिम में जा रहा है बॉडी बना रहा है तो ही वो अपने न्यूट्रिशन पूरा कर रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल घर में अगर आपके कोई भी है जो जिम नहीं जा रहा, वर्कआउट नहीं कर रहा, जॉब पे नहीं जा रहा, उसे भी उतने ही न्यूट्रिशन की जरूरत है जितनी कि एक बॉडी बिल्डर को है। उसे बिल्कुल भी, सही है। उसकी बॉडी में भी उतनी ही प्रोटीन की जरूरत है, उतने ही मिनरल्स की जरूरत है, उतने ही विटामिंस, उतने ही कैल्शियम। तो ये ओवरऑल हमें ना सारी चीजें देखनी होती हैं। अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो, वेट कम करना चाह रहे हो, न्यूट्रिशंस बहुत जरूरी हैं, आपके मिनरल्स बहुत जरूरी हैं, लाइक मल्टीविटामिन, आपके कार्ब, सारी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। अब जैसे मेरे पास एक परसों मैसेज आया कि दीदी मुझे आप कुछ बता दो कि मैं इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर लूं। मैंने उसको बताया, कह रहा है दीदी मुझे कंपटीशन थोड़ी खेलना है। मैंने कहा बच्चे कंपटीशन नहीं खेलना है, तभी मैंने आपको फिश ऑयल और कैल्शियम और मल्टीविटामिन बताई है। ये एक नॉर्मल न्यूट्रिशन है, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है। लोगों ने तो प्रोटीन और फिश ऑयल को लेकर पता नहीं क्या क्या मिथ बना रखी है कि नहीं ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं तभी यूज करना है फिश ऑयल, या बॉडी बिल्डिंग करते हैं तभी आपको मल्टीविटामिन यूज करना है, तो ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ में भी हमें मिनरल्स की उतनी ही जरूरत होती है। ये एक ना, जैसे आपने फिश ऑयल बोला है, बहुत सारी चीजें बोली है, बट कुछ लोग होते हैं जो प्योर वेज होते हैं, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूं, लेकिन क्या प्योर वेजिटेरियन लोग भी बॉडी हाँ बना सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके भी बॉडी बना सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हैं। अच्छा ये बताइए मैम कि बहुत सारे, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, खासकर लड़कियां, शरीर में बहुत सारे चेंज होते हैं, बहुत बिल्कुल सारे होते हैं बदलाव आते हैं, सर, बिल्कुल और मुझे बिल्कुल, नो लगता है डाउट। कि बहुत, एक मेल के अपेक्षा फीमेल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है, बट जो महिलाएं जिनकी मैरिज हो रखी है, जिनके बच्चे होने वाले हैं, ठीक है, उनमें क्या चेंजिंग आते हैं? क्या वो भी बॉडी बिल्डिंग कर सकती है? बॉडी बिल्डिंग के बाद जो है प्रेगनेंसी में या शादी के बाद कोई समस्या आती है उनकी सेक्सुअल लाइफ में, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं सर, अगर ये चीज पूछें कि प्राइवेट लाइफ या हमारी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी बॉडी बिल्डिंग के बाद, तो बहुत ही नॉर्मल होती है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, बीइंग अ फीमेल, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो मेंटली बहुत चीजों से प्रिपेयर होना पड़ता है। लाइक बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे अभी आवाज भी भारी हो जाती है, हमारे उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बहुत से लोग हमें ज्ञान दे रहे होते तो हमें बुरा लगता है कि भाई आप ज्ञान मत दो, हमें मालूम है। तो नो डाउट चेंजेस बहुत सारे आते हैं, बट उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो कुछ लोग, अभी मैं इवेंट में गई थी, फिटलाइन इवेंट में, तो मेरी एक स्टूडेंट मुझसे आके मिली वहां, उसने बोला कि मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी, गेम छोड़ दिया। तो मुझे बहुत शॉक लगा कि भाई तुमने इतनी मेहनत से तुम यहाँ तक आई तो तुमने छोड़ क्यों दिया। तो उसने मुझे बोला कि घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हस्बैंड वाइफ में डेली झगड़े हो रहे थे। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि जितने भी हस्बैंड्स हैं, जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं या आगे जितने लोग मुझे सुनेंगे, तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि एज अ बीइंग एक
अगर फीमेल कोई अपना लाइफ पार्टनर चूज करती है तो वो भी यही सोचती कि जैसा एक फीमेल अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए, तो जी यार आप भी प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि वो भी आपसे यही उम्मीद रखती है कि कोई और उन्हें समझे ना समझे लेकिन उनका हस्बैंड उन्हें जरूर समझेगा, या उनका जो भी लाइफ पार्टनर है, उनका बॉयफ्रेंड है, जो भी है, ठीक है, तो बिल्कुल प्लीज उनको समझो। तो उसने मुझे बोला कि मैंने गेम छोड़ दिया क्योंकि हमारे घर में बहुत झगड़े हो रहे थे, हस्बैंड कह रहे थे तुम घर पे ध्यान नहीं देती हो, तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। उसने बोला कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, जब वो बड़ी होगी तो आप ही उसे ट्रेनिंग दोगे और आप ही उसे अपनी लाइन में लेके जाओगे। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे सुन के बुरा लगा कि सिर्फ उसके हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया, उसकी वजह से उसने अपने अपने अरमान ही खत्म कर दिए, मार दिए, गेम छोड़ दिया। मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया कनेक्शन हो जाते हैं, आदमी कनेक्ट हो जाता है, जी जी मैंने जी बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि उनकी जो वाइफ्स है उनका पूरा ध्यान रखती है जब वो बॉडी बिल्डिंग वो करते हैं। एक तो मैंने नाम तो मुझे उनका पता नहीं है, उनके बाल नहीं है, उनकी हेल्दी सी बीवी है, उन्होंने बोला कि दीपक जब नंदा ये सर, कि जब ये खेलते हैं तो उससे कुछ दिन पहले ही इतनी चिड़चिड़े हो जाते हैं कि चिल्लाते हैं, मुझे पता है कि चिड़चिड़े क्यों हो रखे हैं, ठीक है, तो मुझे सहना पड़ता है, तो वो भी इतना सपोर्ट करती है तो उनको भी सर करना बहुत चाहिए ये जरूरी है, बात। एक बॉडी बिल्डर को फैमिली के प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो एक दुनिया से हटके कुछ अलग कर रहा है, ठीक है, और जी अगर फैमिली में भी उसको सपोर्ट ना मिले तो बंदा तो चिड़चिड़ा हो ही जाएगा ना सर, ठीक है। अगर जी मैंने देखा है कि इतने सारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी जो वाइफ्स हैं वो स्टेज पे जाती हैं, फिर वो बताते हैं कि ये ही सुबह 5 बजे उठती है, या ये मेरी डाइट बनाती है, ये हर 2 घंटे में मुझे डाइट देती है, तो आप ये सोचिए ना कि उस लड़की का भी भले वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रही लेकिन वो सफर पूरा कर रही है आपके साथ, ठीक है, बिल्कुल आपके बिल्कुल आपकी फैमिली का भी ध्यान रख रही, क्योंकि आप नहीं रख पा रहे, आप तैयारी पे हैं, आपके बच्चों का भी ध्यान रख रही है, आपको टाइमली आपका खाना पानी डाइट हर 2 घंटे में आपको कितना नमक देना है कितना प्रोटीन देना है वो आपका ध्यान रख रही है। तो बींग अ हस्बैंड ये चीज आप भी कर सकते हो, इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक नहीं होता, बिल्कुल सही है, बात है इससे आपकी, बिल्कुल कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि वो लड़की है तो मैं उसके लिए क्यों करूं या वो लड़का है तो मैं उसके लिए नहीं क्यों करूं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है सही ना। बात है। अच्छा मैं थोड़ा सा ये बताइए कि जो अक्सर एक हवा बना हुआ है, ये मुझे मतलब माइंड में हवा है कि नहीं है कि जब भी आप जाते हैं शरीर बनाने के लिए एस्ट्रोइड आपको खाना पड़ता है, ये एस्ट्रोइड के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये सच्चाई क्या देखिए है कि अक्सर मैं आपको बताती हूँ, आपको सिर्फ अपने आप को फिट रखना है, ठीक जी है, सिर्फ आपको वेट फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है, या आप सिर्फ ये चाहते हो कि मेरी बॉडी सिर्फ इतनी बन जाए कि मैं कुछ भी पहनूं अच्छा लगे और मैं फिट जी दिखूं, तो राइट कि आपको कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना खाना अपना न्यूट्रिशन अपना वर्कआउट मेंटेन करो, दैट्स इट, ठीक है। बट हाँ, लेकिन अगर आपको गेम खेलना है, जी आपको किसी लेवल पे जाना है, आपको कुछ बड़ा करना है, अब जैसे मुझे आप अभी बाहर की बॉडी बिल्डर्स को उठा के देखिए, ठीक है, जी अब जैसे मुझे अब इंटरनेशनल खेलने जाना है तो मुझे पता है कि बिना उसके मैं आगे नहीं बढ़ सकती, ओके क्योंकि वहां से मुझसे 4 गुना बड़ी लड़कियां होंगी, ओके हाइट वाइज भी और बॉडी वाइज भी, बॉडी तो वाइज यूज करना पड़ेगा, उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये कोई हवा नहीं है, हर बॉडी बिल्डर चाहे वो मेल हो फीमेल हो हर बॉडी बिल्डर यूज करता है, बट प्रिकॉशंस के साथ, ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी कोच के अंडर में हमने ट्रेनिंग ले ली उसने कुछ भी बता दिया हमने यूज कर लिया। आज आजकल बहुत से मिथ चल रहे हैं, लोग जिम में आते हैं यूट्यूब खोलते जी हैं, अच्छा इस यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स के लोगों को उन्होंने फॉलो किया होता है, ठीक है, क्या करते हैं, अच्छा इसने आज ये वर्कआउट किया है तो हम भी आज ये वर्कआउट करेंगे, मूवमेंट कहाँ आ रही है कुछ नहीं पता, जिन्होंने वीडियो डाला है उन्हें सिर्फ वीडियो डालने से मतलब है कि एक उन्होंने जिम में एक सेट लगाया और वो वीडियो उठा के डाल दी, उनको खुद नहीं पता कि उस वर्कआउट की मूवमेंट कहाँ आ रही है, वो वर्कआउट कौन सी मसल पे वर्क करेगा क्या करेगा, बट लोगों को क्या है यूट्यूब से देखना है, ठीक है, हाँ वो यूट्यूब पे देखते हैं कौन क्या खा रहा है, इसने वर्कआउट से पहले क्या खाया तो मैं भी यही खाऊंगा, तो भाई सबकी बॉडी अलग होती है, सबके जेनेटिक्स बिल्कुल अलग होते हैं, जरूरी नहीं कि कोई चीज उसको सूट कर रही है तो आपको भी सूट करे, मैं बहुत तो सारी चीजों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है मैंने जब भी मैं लाइव करता हूँ तो लोग बोलते हैं, जैसे कि कमेंट में आते हैं ना बहुत सारे, ना। किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसके नीचे कोई दूसरा आदमी अपना जवाब देता है या फिर अपना ट्रीटमेंट जवाब करता है दे आप ये करो, तो मैं यही बोलता हूँ कि हाँ देखिए आप कोई भी वीडियो देखिए, चाहे आप मेरे चैनल पे ही आके क्यों ना देखें, लेकिन आप उस चीज को इस्तेमाल करने से पहले एक बार हेल्थ एक्सपर्ट से हाँ जरूर बिल्कुल आप बिल्कुल कंसल्ट करना है, ऐसे बिल्कुल आपके शरीर के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए। नहीं मैंने नहीं जो नाम आप जान देखिए
जी जी नहीं सॉरी, जी, आप बताइए प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये बॉडी आपकी है, आपके माँ बाप की देन है, ठीक बिल्कुल है। किसी और के अंधविश्वास में मत पड़ो, अपनी आंखें बिल्कुल खोलो, ठीक है। जो चीज आप यूज कर रहे हो पहले उसके बारे में आप पढ़ो, समझो, ठीक है, गाइडेंस लो किसी एक्सपर्ट की, उसके बाद ही यूज करो आप, ठीक है। बिल्कुल क्योंकि जब साइड इफेक्ट होता है तो आपको भी नहीं पता कि आपके साथ क्या हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, और जाते आज का जाते जो टाइम है जिम में जी ट्रेनर्स, मैं आपको बता रही हूँ, इतना पागल बनाते हैं, ठीक है। वो बच्चों से पैसे लेते हैं, उनको सामान जो देते हैं, बच्चे अपने घर भी नहीं ले जाते कि हम घर ले जाएंगे तो डांट पड़ेगी, इसे आप अपने पास ही रखो। बच्चों को नहीं पता कि ट्रेनर आपको क्या दे रहा है, उसकी स्लिप्स हाँ निकली हुई होती हैं, चाहे वो आपको पानी ही भर के लगा रहा है, आपको जी पता ही नहीं वो आपको क्या लगा रहा है। मेरे हाँ पास अभी एक ऐसा केस भी आ चुका है कि इतने ज्यादा पानी के इंजेक्शंस लगा दिए ट्रेनर ने कि बच्चे की पूरी खाल लटक गई, जगह जगह उसके अरे छाले पड़ गए, बॉडी से पूरा वाटर ही आउट हो गया। एज ए एक्सपर्ट नंदिता मैम, एज ए एक्सपर्ट आप जाते जाते फिटनेस को लेकर के या कोई मिथ्स को लेकर के जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, क्या 3 से 4 टिप्स आप देना चाहेंगे कि अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, आप लड़का हो चाहे लड़की, डजंट मैटर, बट आप कम से कम अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अपने वेट को मैनेज करने के लिए, अपने डाइट को मैनेज करने के लिए, आप ओवरऑल बॉडी को मैनेज करने के लिए जो भी है, आप कम से कम ये 3 से 4 से 5 चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो सिर्फ आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है। आप दूसरों की ये सुनना बंद कर दो कि भाई तूने क्या खाया था या तूने क्या खाया था, ये मेरी पहली टिप्स है, क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। जी दूसरी चीज, अगर आप जिम या बॉडी बिल्डिंग चूज कर रहे हो एज अ प्रोफेशन, तो कुछ टाइम के लिए ना अपने जी आंख और कान बिल्कुल बंद कर लो कि ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, मेरे घर में क्या बोलेंगे, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी। तो इन चीजों से, जैसे मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट में बोला था कि थोड़े टाइम के लिए आपको बिल्कुल बदतमीज बनना पड़ेगा कि कोई आपको कुछ भी कह रहा है वो सारी चीजें आपके सर के ऊपर से जा रही है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तीसरी चीज, आप किसी भी जिम में जाते हो, एंट्री करते हो, आजकल बच्चों ने क्या किया हुआ है, 1 महीने के लिए एक जिम ज्वाइन किया, जी ठीक है, 1 महीना उस जिम में किया वर्कआउट, कुछ दिन बाद उसके बगल में एक नया जिम खुला, उन्होंने वो जिम छोड़ के उसमें चले गए वर्कआउट करने, ठीक है। हर महीने जो ट्रेनर बदलते हैं, जी ठीक है, मैंने जब से स्टार्ट किया और आज तक स्टिल मेरे जो कोच हैं मिस्टर इमरान खान सर, सेम ही हैं। क्योंकि जब आप जी इस लाइन में आते हो तो यहाँ कोई मैजिक नहीं होता, यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है, पैसे भी देने पड़ते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो जी इस चीज में, इस प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। ओके सेम जी टाइम, अगर आपने 1 महीने यहाँ वर्कआउट किया, अगर आप दूसरे जिम में गए दूसरे महीने, तो आपको फिर से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कुछ आपका रूटीन चल रहा था, वहां कुछ रूटीन चलेगा, फिर जी आपको वहां रिजल्ट नहीं आएगा आप तीसरे महीने। तो मेरी तीसरी टिप यही है कि अगर आप किसी भी जिम में जाओ तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने का टाइम लो, बॉडी में चेंजेस आपको तभी पता चलेंगे, ना कि सिर्फ 1 महीने में पता चलेंगे। दूसरी जी चीज ये कि हेल्दी खाओ, और ओके वाटर इनटेक आपका पूरे दिन चलते रहना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी एक ह्यूमन बॉडी को पूरे दिन में बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके शुगर अवॉइड करो, आप शुगर अवॉइड करने का चैलेंज लेके देखो, आप कहते हो ना वेट लॉस नहीं हो रहा, जी आप 15 डेज का चैलेंज लो, आप 20 डेज का चैलेंज लो कि आपको चाय नहीं पीनी, शुगर डालना ही नहीं है, आपको सिर्फ ब्लैक कॉफी पीनी है, ग्रीन टी पीनी है, कुछ भी एक्स वाई जेड, आपको जो भी आपको पसंद हो, आप जी इस तरह से 15 15 दिन के लिए शुगर इन आउट कर सकते हो अपनी लाइफ से, कि 15 दिन आपने नहीं पिया, फिर आपका मन किया आपने पी लिया, फिर 15 दिन नहीं पिया, तो ऐसे एक हेल्दी रूटीन जो है वो जनरेट हो जाता है। जी ओके थैंक यू सो मच नंदिता मैम, थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक धन्यवाद यू, थैंक आपका। आशा है कि यू मुझे सर, बहुत सारे टिप्स जानने को मिले, खासकर जो आपने लाइफ को बताया कि एक स्ट्रेस किस हद तक झेला जा सकता है बहुत बहुत, और हाँ क्या बहुत। क्या लोग बोलते हैं, क्या सोसाइटी की मेंटलिटी क्या है, वो तो ये सुन देखिए, के मुझे भी सोसाइटी की थोड़ा मेंटेलिटी हम कभी नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अगर आप ये सोचो कि मैं सबको सुधारने निकलूंगा तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, हम दूसरों को कभी नहीं सुधार सकते। थैंक बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो यू मच नंदिता मैम, थैंक यू सो सर, मच थैंक मैम, यू, थैंक बहुत यू, बहुत बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक टेक यू, केयर थैंक मैम, थैंक यू। यू।